समस्या बेहद गंभीर है। हो सकता है आप आज के भारत पर गर्व ना कर पाए, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली पीढ़ी कल के भारत पर गर्व जरूर करेगी। देश बदलाव मांग रहा है, लेकिन कैसा बदलाव, क्या बदलाव चाहता है आम आदमी? महंगाई से छुटकारा चाहिए। ये नेता सारा पैसा खा गए, देश के करोड़ों रुपए खा गए। करप्शन से छुटकारा चाहिए, पूरे देश को खा रखा है दीमक की तरह। हमारे देश के आज ये पैसा रहता तो आज मेरे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा गरीबी सब दूर हो जाता। हमें चाहिए सरकारी स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके। सस्ता इलाज चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। मुझे सिर्फ एक नौकरी चाहिए, वो भी बिना रिश्वत के। हमें इज्जत चाहिए अपने देश में, इस सरकार ये सरकार हमारे लिए काम करे। मुझे चाहिए सुरक्षा। मैं जब सड़क पर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, और जब पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पीटती है। आम आदमी लोकतंत्र चाहता है, एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जो उसकी मालिक बनकर ना बैठे, बल्कि उसके जीने में, उसके सपनों को पूरा करने में मददगार हो सके। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। आम आदमी लोकतंत्र चाहता है। हर आदमी चाहता है कि लोकतंत्र में उसकी हैसियत 5 साल में महज एक बार वोट डालने वाली ना रहे। सरकारी दफ्तर में, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, नगर निगम, पंचायत, इन सब में उसकी आवाज सुनी जाए। आम आदमी चाहता है कि देश के जल, जंगल, जमीन, खनिज, ये सब संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहे। सरकार इनकी मालिक बनकर इन्हें खुलेआम लुटाए ना। आज संसद और सत्ता में बैठे लोगों में कोई एक नेता या एक पार्टी भी ऐसी नहीं दिखती जो आम आदमी की इन जरूरतों को पूरा करने की इच्छा भी रखती हो। और इतना ही नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों का अहंकार इतना ज्यादा है कि आम आदमी की जरूरत पूरी करना तो दूर, ये उसकी बात सुनने के लिए उससे मिलने तक को तैयार नहीं है। देश की जनता सड़क पर है, लोग सिस्टम से आवाज मांग रहे हैं, कानून मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन बदले में मिल रही हैं गालियां, लाठियां और धोखा। सत्ता में कुंडली मारकर बैठे अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का साफ कहना है, कानून तो वही बनेगा जो हम चाहेंगे, हमें जनता की परवाह नहीं। जो सड़क पर उतरे हैं उनमें हिम्मत है तो चुनाव जीत कर दिखाएं। इसीलिए इनका विकल्प लाना जरूरी हो गया है। पिछले 1.5 साल से, 2 साल से ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को।
आम आदमी की पार्टी बन गई है। एक ऐसी पार्टी जिसमें ना कोई हाईकमान होगा ना कोई परिवार। पद और टिकट चाहने वाले लोगों के लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। आज हमारे देश के भ्रष्टाचार से डील करने वाले कानून जो है यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में इतने भ्रष्टाचार के लिए। ये सारे के सारे कानून भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं बने हुए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाए तो हमारे कानून में यह तो लिखा है कि उसको मैक्सिमम 7 साल की जेल हो सकती है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि उसने जो पैसा कमाया रिश्वत लेके वो पैसा वापस उससे लिया जाएगा। यह कहीं नहीं लिखा, वो पैसा उसका हो गया। जन लोकपाल बिल में पहली बार हम लोगों ने लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाए तो उससे जो उसने पैसा कमाया वो नहीं, जो उसने सरकार को चूना लगाया उतना पैसा, जैसे राजा ने 5,000 करोड़ रुपया कमाया उतना नहीं, जो 2,00,000 करोड़ रुपया सरकार को चूना लगाया उसकी संपत्ति जब्त की जाए, उसकी नीलामी की जाए और वो 2,00,000 करोड़ रुपया उससे वसूल किया जाए। ये हम लोगों ने जन लोकपाल में कही था। दूसरी बात हम लोगों ने लिखी है कि जब हम सरकारी दफ्तर में काम करवाने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाना है, इनकम टैक्स रिफंड लेना है, राशन कार्ड लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी लेना है हम लोगों को, हमें पैसे देने पड़ते हैं। इस कानून में हमने लिखा है कि हर काम की समय सीमा तय करो, ये काम इतने दिन में किया जाएगा, ये काम इतने दिन में किया जाएगा और ये ऑफिसर करेगा। उतने दिन में अगर वो ऑफिसर काम ना करे तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस ऑफिसर की तनख्वाह काट के आपको कॉम्पेंसेशन के रूप में दे और आपका 30 दिन के अंदर काम कराए। 2 अफसरों की तनख्वाह काट दी है, सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। महंगाई की महामारी ने हमारा बट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया, सरबत की तरह देश को, सरबत की तरह देश को गटका है गटा गट। आम आदमी की जेब हो गई है सफाजट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाजट। हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, केंद्र सरकार का टोटल बजट 14,00,000 करोड़ रुपए है। हमारे देश की सारी राज्य सरकारों का टोटल बजट मिला के 10,00,000 करोड़ रुपए है। टोटल कितना हो गया? 24,00,000 करोड़। इस 24,00,000 करोड़ में से साल में आपके हिसाब से कितना परसेंट भ्रष्टाचार में चोरी हो जाता होगा अंदाजे से? 80%, 100% कह रहे हैं वो, 100%। मैं कह रहा हूं 5% मान लेते हैं। मेरे को पता है कम से कम 5% तो होता होगा, नहीं उससे भी कम होता है, उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है। तो 5 से शुरू करते हैं फिर आगे बात बढ़ाते हैं, 5% कम से कम मान लेते हैं। 24,00,000 करोड़ का 5% होता है 1,25,00,000 करोड़ रुपया। हमारे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 71 रुपए प्रति लीटर। इस 71 रुपए में से 33 रुपए टैक्स के, 38 रुपए तेल के। पूरे देश में जाके जब आप पेट्रोल खरीदते हो तो आपको लगभग 33 रुपए प्रति लीटर टैक्स के देने पड़ते हैं। पूरे देश में पेट्रोल बेच के सरकार 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है साल में, 70,000 करोड़ का। अगर ये 1,25,00,000 करोड़ रुपए बच जाते भ्रष्टाचार के तो सरकार पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती थी। और अगर 70,000 करोड़ का टैक्स माफ हो जाता तो प्रति लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए कम हो जाते और इसी तरह से प्रति लीटर डीजल पे 16 रुपए कम हो जाते। और अगर पेट्रोल और डीजल के पैसे कम हो जाते तो दूध भी सस्ता हो जाता, सब्जी भी सस्ती हो जाती, दाल भी सस्ती हो जाती, चावल भी सस्ते हो जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता। अगर सरकार ये सोचे कि मैं जनता को बेवकूफ बना रहा हूं
तो मैं भी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, ये टैक्स बड़ा अच्छे से समझ आता है मेरे को, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले किसी को भेज दें यहाँ पे जनता के सामने बात हो जाएगी। लेकिन साथियों ये लूट तंत्र है, लूट तंत्र, जानबूझ के महंगाई की हुई है, ये समझ में आने लगा और आप लोग भी अच्छे से समझिए, जानबूझ के महंगाई की हुई है, हम लोगों को लूटने के लिए महंगाई की हुई है। अंग्रेज पहले हम लोगों को लूट के सारा पैसा लंदन ले जाते थे और ये मंत्री अब हम लोगों को लूट के सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आम आदमी की ज़िंदगी में सबसे बड़ी दो चिंताएं जो हैं वो स्कूल और अस्पताल को लेके हैं। हर आदमी सोचता है कि बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, अगर कभी बीमार पड़ गए तो अस्पतालों का बिल उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। हमारा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों को और सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाकर वहाँ पर सबके लिए फ्री एजुकेशन उपलब्ध होनी चाहिए। और जब हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद करने की बात कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास होना चाहिए और वहां पे हर आदमी को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। यही बात अस्पतालों पे भी लागू होती है और ये हो सकता है। आज सरकारी स्कूलों में जितना पैसा आता है अगर उसमें भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो सारे सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन मिलने लगेगी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलने लगेगी। यही बात अस्पतालों के लिए भी हो सकती है। हमने एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी इस बात का अध्ययन कर रही है कि सारे सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास फ्री एजुकेशन देने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और ये पैसा कहां से आ सकता है। महिलाओं की सुरक्षा आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज़ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित क्या कर रही हैं, वो बलात्कार रोकने के लिए शांति मार्च निकाल रही हैं, पीस मार्च निकाल रही हैं, लेकिन जो अधिकारी जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप लग रहे हैं उनको प्रमोशन दे रही हैं वो साथ साथ, इससे बलात्कार रुकेंगे? हालात आज ये हो गए हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं को सड़क पर निकलते हुए डर लगता है। ये बात ठीक है कि बलात्कार जैसी वारदात को अगर रोकना है तो समाज की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आज बलात्कार के मामले 10-10 15-15 साल तक कोर्ट में चलते रहते हैं और उसमें से भी सिर्फ 20% लोगों को सजा मिलती है, 80% तो फिर भी बचे रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। अगर बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकना है और समाज में ये संदेश देना है कि कानून है, तो 3 बदलाव तुरंत करने पड़ेंगे। पहला तो यह है कि बलात्कार के हर मामले में 2 महीने के अंदर अंदर सजा हो जाए। दूसरी बात यह है, इसके लिए जितने भी जांच अधिकारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत पड़े वो तुरंत बनाए जाएं। और तीसरी बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अपराध में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है, हम इस देश के अंदर जनतंत्र स्थापित करने के लिए अंदर जा रहे हैं, हम इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए जा रहे हैं कि सीधे सीधे जनता का राज हो। जैसे 2 उदाहरण देता हूं, एक ब्राजील का उदाहरण देता हूं और एक दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती का उदाहरण देता हूं। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती है संतोष, जहां से आती है, वहां पे स्कूल नहीं है, सीवर नहीं है, 20 साल हो गए लोगों को झक मारते मारते, लोगों को सरकार के पास जाते हैं, स्कूल दे दो, सीवर दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। 3 साल पहले उसी सरकार ने वहां पे 80 लाख रुपए के फव्वारे बनवाए, लोगों को फव्वारे तो नहीं चाहिए, और वो फव्वारे जिस दिन उद्घाटन था उस दिन भी नहीं चले, क्यों? क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। तो जनता को चाहिए तो पानी, जनता को चाहिए तो स्कूल, और बनवाते हैं फव्वारे, कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे तो हैं,
लेकिन वो हमारी मर्जी के हिसाब से हमारी जरूरतों के ऊपर खर्च नहीं होते। गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने को पैसे नहीं है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी में तो 35,000 करोड़ ही चाहिए और 70,000 करोड़ तुमने उसमें फूंक दिया और कहते हैं 6 सिलेंडर से काम चलाओ। इसको बदलना है, जो जनता चाहिए वो होना चाहिए। तो एक तो ये उदाहरण दिया सुंदर नगरी का, पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है, वहां पे वहां का बजट कैसे बनता है? वहां का बजट म्युनिसिपैलिटी के टाउन हॉल में नहीं बनता, वहां पे हर गली मोहल्ले के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं, साल में एक बार अपनी लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो कोई गली वाला कहता है हमारी गली टूटी पड़ी है, कोई कहता है नाली टूटी पड़ी है, कोई कहता है सीवर खराब है, कोई कहता है टीचर नहीं आता, टीचर की कमी है, कोई कहता है डॉक्टर की कमी है, दवाई, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बना लेते हैं समस्याओं की, पूरे शहर की समस्याओं की लिस्ट ले लेते हैं ये लोग, उसको कंपाइल कर लेते हैं और वो बजट बन जाता है। बजट और होता क्या है? ऐसे बजट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बजट ये संसद के अंदर क्यों बनना चाहिए? बजट ये विधानसभा में क्यों बनना चाहिए? बजट टाउन हॉल में क्यों? बजट तो गली गली मोहल्ले के अंदर बनना चाहिए बजट। ये जनतंत्र है। और अब पोर्टो एलेग्रे की देखा देखी दुनिया के कई शहरों के अंदर ये उन्होंने प्रणाली अपना ली कि सीधे जनता बजट बनाएगी, अब बजट जो है विधानसभा और इसके अंदर नहीं बनेगा। ये मारुति भापकर जी आए हैं, ये काउंसलर है वहां पे छिछवाड़ में, मैं इनके यहां गया था, ये 5 साल काउंसलर रहे वहां पे, और ये कोई भी निर्णय हर महीने के पहले इतवार को चौराहे के ऊपर ये पूरे शहर की मीटिंग करते हैं अपने पूरे वार्ड की, और जो जनता कहती है, जनता निर्णय लेती है, ये वहां पे सबके सामने रख देते हैं, भाई इतना बजट आया बताओ क्या चाहिए, जो जनता कहती है वही लिख लेते हैं ये, और वो अगले दिन उसमें जाके प्रस्तुत करते थे, भाई ये करा दो, ये काम मेरी जनता कह रही है। ये जनतंत्र है, ये व्यवस्था परिवर्तन है जो हम लोग लाना चाहते हैं। एससी बहर साहब हैं, एससी बहर साहब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है, वो स्विट्जरलैंड भी गए, वो पूरी दुनिया में काफी घूमे हैं कि किस तरह से देश के लोगों को सीधे सत्ता दी जा सकती है, इसका क्या मॉडल हो सकता है, और इन मॉडल्स के ऊपर अब एससी बहर साहब, हमने उनसे निवेदन किया, हमने एक कमिटी बनाई है, एससी बहर साहब इसका कानून, इसका ढांचा तैयार कर रहे हैं कि जब यह आंदोलन दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ेगा और दिल्ली विधानसभा में जाएगा तो 10 दिन के अंदर वो मॉडल यहां पे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता राज करेगी, दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता बजट बनाएगी, बजट जो है वो विधानसभाओं के अंदर और अंदर नहीं बनेगा। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा, हम सबको नाज है। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा, हम सबको नाज है। हमारे देश में ना तो ईमानदार लोगों की कमी है, ना मेहनत करने वाले लोगों की कमी है, और ना संसाधनों की कमी है। एक ही कमी है, व्यवस्था की कमी है। पिछले 65 साल में कितनी पार्टियां आई हैं? कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा, बसपा, डीएमके, एआईएडीएमके, जेडी, आरजेडी, बीजेडी, किसी राज्य की कोई पार्टी है, किसी जाति की कोई पार्टी है, किसी धर्म की कोई पार्टी है। ज़रा सोच के देखिए कि इन पार्टियों में से किसी के पास देश में महंगाई का समाधान है, देश में भ्रष्टाचार का समाधान है, देश में जो अत्याचार हो रहे हैं आम आदमी पे उनका कोई समाधान है? किसी के पास, किसी के पास कोई विजन है, किसी के पास कोई कार्यक्रम है? इन सब ने पिछले 65 साल में एक ही खेल खेला है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो देश की राजनीति को बदलने के लिए अब आपको आगे आना पड़ेगा। देश को लुटने से बचाना है तो समय निकालिए। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की तैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको दिन टाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की पैर नहीं,
क्यों दरिया झूम के उठे हैं दिन को दिन डाले जाएंगे दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे कुछ अपनी जगह ले जाएंगे।